हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चे अंगड़ाई क्यों लेते हैं। मेरे पास मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा है, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज़ मुझे बताइए कि बच्चे अंगड़ाई क्यों लेते हैं, और जो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेता है तो क्या ये सेफ़ है या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो इससे रिलेटेड आज मैं सारी जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी सारे डाउट हैं, वो मैं क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी डियर मॉम्स को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा अंगड़ाई ले रहा है, ठीक है, या योनिंग कर रहा है, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, प्लीज़ नथिंग टू डोंट वरी। ऐसा कुछ भी वरी या चिंता करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वरिड हो जाओ कि अरे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा योनिंग कर रहा है या फिर अंगड़ाई बहुत ज़्यादा लेता है, मिनट मिनट पे अंगड़ाई लेता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चिंता करने की नहीं बात है। देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट बताती हूँ जो कि हमारे ऊपर जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ हमारे बच्चे के ऊपर होती हैं। जैसे आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि बैठे बैठे आप कभी कभी सडनली कोई काम कर रहे हो या बैठे हो तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो या टायर्ड फील करते हो, तो आप क्या करते हो, एक अंगड़ाई लेते हो ना, इस तरीके से आप अंगड़ाई लेते हो और फिर या योनिंग करते हो, या आप लेटे हुए हो या काफ़ी टाइम आपको एक ही करवट से लेटे हो गया, या बहुत टाइम से आप लेटे हुए हो, तब भी आप क्या करते हो, अंगड़ाई लेते हो। अंगड़ाई हमारी जो डेली रूटीन की एक एक्टिविटीज़ है जो कि बच्चे करते हैं, एनिमल्स करते हैं, सभी जो कि जानवर हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े बूढ़े, हर एक इंसान में ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं मैम मेरा बच्चा तो अंगड़ाई लेता है, बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो जैसे हमारी नॉर्मल और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, खाना पीना, बर्पिंग करना, हिकअप्स करना, जैसे हिचकी लेना है, डकार लेना है, ठीक है, तो वैसे ही एक सिमिलर एक्टिविटी अंगड़ाई लेना है, ठीक। तो आपने देखा होगा जो हमारे नवजात बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कि वो हर सेकंड्स में, हर मिनट में बार बार अंगड़ाई लेते हैं। उसका देखो मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ। सबसे पहले होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, स्पेशली जो दो तीन चार महीने तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो हमारे पेट में होते हैं, जब वो गर्भ में होते हैं, ठीक है, तो एक जगह एक ही पोजीशन में रहते हैं और कभी कभी ही वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हो। लेकिन सडनली जब उनका जन्म होता है, एक नई दुनिया में वो आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें नई होती हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, है ना, उनके पैरों को चलाते हैं, हाथों को चलाते हैं, रोते भी हैं, स्माइल भी करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के साथ साथ। तो इन सारी एक्टिविटी में जब बच्चा बिजी हो जाता है और धीरे धीरे ये एक्टिविटी करता है और बार बार कंटिन्यू इन एक्टिविटीज़ को करता है, तो उसको भी थकान महसूस होती है और वो अंगड़ाई के थ्रू उसको रिकवर करता है, ठीक है। कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेता है, उसका फेस लाल हो जाता है, या मतलब फेस का जो कलर उसका चेंज हो जाता है, तो ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे बच्चे को अंगड़ाई लेते समय ना फेस एकदम रेड हो गया है या फिर वो अजीब सा फेस बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंगड़ाई लेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसका फेस का कलर चेंज होगा, ठीक। तो जैसे ही बच्चे की और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं सिमिलर, उसमें अंगड़ाई लेना भी एक ये नॉर्मल ही कंडीशन है। कभी कभी बच्चे के पेट में सपोज गैस बनी हुई है ना, तो गैस अगर बच्चे के पेट में बन रही है तो वो बहुत अंगड़ाई लेगा, ये ध्यान रखिए। कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ कि जिन अगर बच्चे को वो प्रॉब्लम है तो वो अंगड़ाई लेगा, जैसे बच्चे को डकार आ रही है या फिर हिचकी आ रही है तब भी वो अंगड़ाई लेगा, या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ उसको गैस की प्रॉब्लम है, तब भी वो अंगड़ाई लेगा, ठीक है। या फिर पेट में उसका स्टमक पेन है, दर्द हो रहा है, या फिर बार बार उसे पोटी आ रही है, या फिर हल्का सा बॉडी में उसको प्रॉब्लम है, सब आपने देखा होगा जैसे ही वेदर चेंज होता है, मौसम बदलते हैं, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, या कैसा भी मौसम आता है, तो मौसम जब चेंज होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारे बच्चों पर पड़ता है, ठीक है। बच्चे हमारे सुस्त होने लगते हैं, शांत रहेंगे एकदम, उनकी जो एक्टिविटी कम हो जाएंगी, जब उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम होने लग जाती है, सुस्त होने लग जाती है, जब वो कोई काम नहीं करते हैं, तो उस टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेते हैं, ठीक है। जब उनको शरीर में कोई हल्का फुल्का फीवर है, या उनका उल्टी जैसा मन हो रहा है, या उन्होंने दूध पिया तो उन्होंने उनको उल्टी जैसा मन हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, पेट में थोड़ा सा ब्लॉटिंग, पेट फूल गया है, तो उस कंडीशन में भी उनको अंगड़ाइयाँ आएंगी। तो ये सारे रीजन थे। तो इसमें
कंक्लूजन कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आपको घबराना नहीं है कि मेरे बच्चे को बहुत अंगड़ाई आ रही है। ये एक नेचुरल एक्टिविटी है, हम भी लेते हैं जब हम घंटों किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है, एक सिचुएशन कंडीशन में बैठे हुए। सेम बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि वो बहुत देर से एक ही एक्टिविटी में एक जैसे बैठे हैं, एक जैसे लेटे हैं, ठीक है, या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सुस्त हैं, या हल्का फुल्का बॉडी में कोई पेन है, या हल्का फुल्का फीवर है, तो उस कंडीशन में बच्चा अंगड़ाइयाँ बहुत लेगा। ये एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, तो इसको बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको करना क्या है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, या पैरों को चलाते हैं, या रोते हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की होती है, तो वो थोड़ा सा थके थके महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, बच्चे की मसाज खूब अच्छे से कर दें। आप जितनी अच्छी मसाज करोगे बच्चा उतना ही एक्टिव होगा, और उतनी ज़्यादा वो जमाई नहीं लेगा, सुस्त नहीं रहेगा, अंगड़ाई नहीं लेगा, ठीक है। अगर वो अंगड़ाई ले भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा डाउट है कि मेरा बच्चा सुस्त है, बहुत ज़्यादा अंगड़ाई पे अंगड़ाई लिए जा रहा है, तो आप कुछ भी नहीं करना। आपको अगर गर्मी है तो नॉर्मल तेल से आप मसाज करें, दो बार मसाज कर दें, ठीक है, मसाज अच्छे से करें, और जितना हो सकता है बच्चों को लिक्विड पिलाएं, अपने दूध पिलाएं, अपना दूध नहीं पिला पा रहे हैं ऊपर का दूध पिलाएं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें। अगर 6 मंथ का बच्चा एवव हो गया है तो थोड़ा थोड़ा घूट घूट पर आप पानी दे सकती हैं, हल्का निवाया पानी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। अगर बच्चा छोटा है और विंटर है तो आप विंटर में क्या करें, 2 टाइम्स बच्चे की मसाज करें, और गर्म तेल कैसा होना चाहिए, गर्म, जो भी आप बॉडी मसाज बच्चे के करने में जो ऑयल यूज़ करते हैं वही ऑयल आप ले सकती हैं, और बच्चों की रगड़ रगड़ की मालिश कर दें अच्छे से, सुबह भी कर दें और रात को बच्चा जब सो रहा होता है उस टाइम आप बच्चे की जितनी अच्छी अच्छी रगड़ रगड़ के मालिश करोगे उतना ही बच्चे को आराम मिलेगा, उतना ही बच्चा एनर्जेटिक रहेगा और एक्टिव बना रहेगा, ठीक है, फिर उसको अंगड़ाई आना कम हो जाएगा। ये जो अंगड़ाई आती है स्टार्टिंग के पहले दूसरे तीसरे महीने में ही ज़्यादा आती है, उसके बाद बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है क्योंकि वो घुटने चलने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है, उसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इतनी हो जाती है, फिर उसमें ये प्रोसेस अंगड़ाई लेने की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बच्चे के डिपेंड करती है, आपको बस यही करना है कि उसकी अच्छे से आपको मसाज दे देनी है, तो फिर वो अंगड़ाइयाँ जो बार बार ले रहा है वो नहीं लेगा, वो कंफर्ट फील करेगा, आराम से सोएगा और आराम से खेलेगा। इसके साथ आपको जो मैंने बताया है कि आप जितना हो सकता है उसको लिक्विड दें, जितना आप लिक्विड देती रहेंगी उतना बच्चा एक्टिव और एनर्जेटिक बना रहेगा। अब मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ टाइम से मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, उसका एक रीज़न है। तो जो आज जो मैंने जो वीडियो बनाई है, जो मेरी एक प्यारी सी मॉम है, उन्होंने ही मुझे ये क्वेश्चन किया था कि मैम मेरा बच्चा बहुत अंगड़ाई लेता है, तो देखिए कमेंट के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बना देती हूँ जिससे कि वो अच्छे से समझ भी जाएंगे, और अदर्स मॉम है उनके माइंड में अगर ये क्वेश्चन घूम रहा है तो वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो क्लियर हो गए होंगे, और उनको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा मैसेज थोड़ा लेट हो गया, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए सॉरी कर दे। अगर मेरे मैसेज आपको नहीं मिल पाते हैं या आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो थोड़े से फैमिली सर्कमटेंस हो सकते हैं, तो उसको प्लीज़ आप साइड में रख दें और उसको इतना माइंड ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहें, और ताकि मैं इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम को वीडियो के थ्रू बता सकूँ। कोशिश करूँगी कि आपका आंसर मैं तुरंत जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तभी मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं मैं रात को 100% आपको वो कमेंट्स की रिप्लाई करती हूं, तो रात को आप 10-11 बजे के बाद सारे कमेंट्स चेक कर लिया करिए कि आपका रिप्लाई आया है नहीं आया, क्योंकि मैं उसी टाइम मैं फ्री होती हूँ, उसी टाइम रात को ही मैं 10 बजे के बाद ही सारे मैसेजेस की रिप्लाई करती हूँ, तो आप उस टाइम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय पेरेंट्स।